हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आपके भाई ने आज का दिन किधर किधर गुजारना है वो करेगा आपके साथ शेयर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई ने आज का व्लॉग उर्दू में करना है और उर्दू की मुझे इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है। मैं ट्राई करूंगा कि अच्छे तरीके से बोलूं, कुछ गलत बात ना कहूँ। सुबह का बाकायदगी से आगाज करने के लिए चाय सबसे ज़रूरी है, और सब काम करने से पहले चाय, उसके बाद नेक्स्ट। बाहर का सीन बहुत मजे का है, आप चेक कर सकते हैं। हमेशा की तरह चेक कर सकते हैं, जबरदस्त। तो चाबी जेब में पड़ी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताने जा रहा था कि मेरा प्लान क्या है। तो आपका भाई आज जा रहा है ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। अगर मौसम ठीक हुआ तो एक बहुत ही अच्छी पार्क है, वहाँ पे जाऊँगा। हाथ करवाना था, बाल भी कटवाने थे, लेकिन टाइम मिला तो जाऊँगा। वॉक भी करनी थी, क्योंकि वॉक यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। वॉक के बगैर कोई गुजारा नहीं है, क्योंकि बाहर से हर वक्त खाना और ये सब कुछ, तो उसके लिए वॉक बहुत ज़रूरी है। वो देखता हूँ किस चीज़ के लिए टाइम मिलता है, किस चीज़ के लिए नहीं मिलता। जो काम होते हैं वो तो करूँगा, जो नहीं होते उनके साथ क्या चारा हो सकता है। तो थोड़ी सी धूप निकली है, थोड़ा सा आप स्लो मो देखें फिर चलते हैं। जी टाइम हो गया है, लाइट्स ऑन, सीट बेल्ट ऑन, फिर निकलते। मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं कि सनराइज रेडियो स्टेशन यहाँ पर भी पाकिस्तानी चल रहा है, पाकिस्तानी टाइप। मतलब यहाँ पर भी ये ब्रेडफोर्ड में ये देख लें उर्दू में चल रहा है। तो ये जो है क्योंकि पाकिस्तानी सिस्टम है, सब पाकिस्तानी सिस्टम। अधूरा छोड़ के कुछ दिन को भूल जाता है, अधूरा छोड़ के कुछ दिन को भूल जाता है, कहाँ से जोड़ना है सिलसिला समझता है। वाह 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 वाह। आपका भाई लेसन लेने लगा है, थोड़ी देर तक मिलते हैं। इंस्ट्रक्टर साहब की गाड़ी आगे पार्क है, तो दो घंटे का मैं लेसन लूँगा, फिर उसके बाद आपसे मुलाकात होती है। A few moments later. हाँ जी, ड्राइविंग लेसन ले लिया है मैंने दो घंटे का। तो अभी हमने निकलना है पार्क के लिए। तो पार्क का नाम है पील पार्क, ब्रेडफोर्ड, ब्रेडफोर्ड पील पार्क। पहुंचाएं जी, सबसे पहले सीट बेल्ट पर मैं वेलकम टू द पील पार्क। और ये ब्रेडफोर्ड में मौजूद है, और मैंने देखा था गूगल में, तो गूगल में तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। माशाल्लाह अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है। घास वगैरह इन्होंने बड़ा खूबसूरत लगाया हुआ है, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं, और कुछ ये छोटे लगे हुए हैं, झूले लगे हुए हैं छोटे छोटे, तो वो वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ दिखाता हूँ। कुछ दिखाने का मतलब ये है कि आपको कुछ सीन दिखाता हूँ इसके मज़े मज़े के। Thank you.
बंदा पार्क में आए, इंग्लैंड के किसी पार्क में जाए बंदा, और वहाँ पर कुत्ता ना हो, फिर समझ लें कि आप पार्क में गए ही नहीं है। कुत्ता यहाँ पर ज़रूर होता है, कोई ना कोई कुत्ता यहाँ पर होता है। अभी भी मेरे सामने बड़ा खूबसूरत कुत्ता आया है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपका भाई अभी इस वक्त पील पार्क ब्रेडफोर्ड में मौजूद है, तो मैं वहाँ कर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। लेसन भी ख़त्म हो गया है, अभी टेंशन ख़त्म, तो आज काम से छुट्टी भी थी तो मैंने सोचा इंजॉय करते हैं ऐसे चल के। तो आपको भी स्लोमो दिखाते हैं, स्लोमो में आपको अभी दिखाते हैं। बहुत बड़ी पार्क है यहाँ पर, बहुत कुछ है देखने के लिए। तो वो नीचे झील नज़र आ रही है मुझे, लग तो ऐसा रहा है कि बहुत ही खूबसूरत है। चलते हैं वहाँ पर देखते हैं, परिंदे भी हैं यहाँ पे, वो भी गुनगुना रहे हैं, हम भी गुनगुना रहे हैं। बच्चों के खेलने के लिए इस पार्क में बहुत सारी जगह मौजूद हैं। ये थोड़ी सी इधर जगह है, वो पहले भी मैं आपको दिखा रहा था, उधर ऊपर भी थी। तो पैदल चलने का ट्रैक तो बहुत ही मज़े का है, जो बंदे वॉक को पसंद करते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट रूट भी है, बेस्ट रूट है इस पार्क में, जो बहुत ही मज़े का है। ये आपको परिंदों की आवाज़ तो आ रही होगी साथ में, जैसा वो फिल्मों में नहीं होता, सेम चीज़ उसी तरह की है। देखें आप, देखें ना, फील करें, माइंड फ्रेश। बिल्कुल, मैं कहता हूँ दुनिया जान की टेंशन खत्म हो जाती है यहाँ पर आके, ट्रस्ट में। यहाँ पर दरख्त मेमोरी के लिए, ये किसी ने दरख्त लगाया तो इन्होंने लिखा है कि दिस ट्री वाज प्लांटेड इन लविंग मेमोरी ऑफ जोसी सोनली, डाइड 18th August 2014, अ रेगुलर पील पार्क विजिटर फॉर 27 इयर्स। ये कोई बेचारा, इस बेचारे की डेथ हो गई तो उसकी याद में उन्होंने ये दरख्त लगाया। तो बहुत सारे तो लगे हुए हैं, जैसा कि ये भी लगा हुआ है, वो भी लगा हुआ है, वो भी लगा हुआ है, ये बहुत सारे। कुछ बंदे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते रहते थे, सैर करते रहते थे, तो उनकी याद में दरख्त लगाए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत झील है यहाँ पर, पत्थरे हैं यहाँ पर, तो लोग यहाँ आकर इनको देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। लगता ऐसे है कि बहुत छोटी पार्क है, लेकिन ये छोटी पार्क नहीं है, माशाल्लाह ये बहुत ही बड़ी पार्क है। इस पूरी पार्क में घूमने के लिए आपको तकरीबन 40 मिनट लग जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि छोटी नहीं है। ये पार्क 1853 में बनी, मैं तो दाद देता हूँ जो इन्होंने इतनी खूबसूरती स्टिल कायम उदायम रखी हुई है। उम्मीद करता हूँ मैंने ये पार्क के जो सीन बनाए हैं ये आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो फैल जाए आग की तरह।